गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2023 तक के, यानी कि सितंबर के लास्ट वीक के। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल न्यूज की। फर्स्ट न्यूज इज अबाउट एमजी नरेगा। इस न्यूज को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एमजी नरेगा है क्या। एमजी नरेगा की क्या फुल फॉर्म है? ये एक स्कीम है जो कि 25 अगस्त 2005 को जो है लॉन्च की गई थी। इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और इसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी बोला जाता है। इस स्कीम के अंडर क्या होता है, अगर किसी भी गांव के किसी भी हाउस होल्ड का अडल्ट मेंबर कोई काम को उसको वो अनएम्प्लॉयड हो और वो चाहता हो, विलिंग हो काम करने के लिए, तो उसको लीगल गारंटी दी जाती है मिनिमम 100 दिन के काम की। या तो गवर्नमेंट उसको 100 दिन का अनस्किल्ड मैनुअल काम देती है, या फिर उसको वो अगर कोई भी इंसान विलिंग हो काम करने के लेकिन गवर्नमेंट उसको काम ना दे पाए तो उसको लीगल गारंटी दी जाती है, उसको अलाउंसेस दिए जाते हैं। और जो इसके वेजेस हैं, जो एक्ट में आप बोल सकते हैं प्रोविजन है, उसके अकॉर्डिंग उसको वेजेस दिए जाते हैं। इसके लिए मिनिस्ट्री कौन सी है जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। अब बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। रिसेंटली जो न्यूज ये थी कि मैं एमजी नरेगा के बारे में सोशल ऑडिट्स हुए हैं, जिसमें एमजी नरेगा के केसेस में काफी करप्शन देखने को मिली है कि हाई रेट ऑफ करप्शन है। और जो करप्शन को, जो भ्रष्टाचार है, उसको हैंडल करने के लिए जो स्कीम के अंडर मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म क्या है, सोशल ऑडिट यूनिट, वो क्या करती है, किसी भी केसेस, कोई माल प्रैक्टिस का केस है उसको डिटेक्ट करने के लिए सोशल ऑडिट यूनिट इसमें जो है डिप्लॉय की गई है, लेकिन वो भी इसमें फेल हो गई है। जो डेटा अवेलेबल है यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर का, उसके अकॉर्डिंग 14% से भी कम जो है अमाउंट ऑडिटर्स के द्वारा जो है रिकवर की गई है अभी तक। ये जो फिगर्स हैं पिछले बार ये भी इक्वली ऐसी थी, मतलब वो भी डिसअपॉइंटिंग थी। तो ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर में जो सोशल ऑडिट यूनिट्स हैं उन्होंने मिस एप्रोप्रिएशन 27.5 करोड़ का जो है रिपोर्ट किया है। तो तभी ये न्यूज में था। ये जो डेटा है ये आप कोट कर सकते हो अपने आंसर में। इस एक्ट के अंडर सेक्शन 17 है जो ये कहता है कि ग्राम सभा जो होती है, गांव में ग्राम सभा होती है, वो मॉनिटर करेंगी काम के एग्जीक्यूशन को कि काम सही से चल रहा है या नहीं। तो सेक्शन 17 भी आपको याद रखना है। हर स्टेट के पास सोशल ऑडिट यूनिट्स होती हैं, जिसका ये काम होता है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगी, जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज है उनसे इंडिपेंडेंटली देखेंगी हर चीज की कैसे हो रही है। तो ये जो सिचुएशन है उसको सारा देखने के लिए मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक सेमिनार भी जो है सोशल ऑडिट यूनिट्स के लिए लगाया था, जिसमें क्या था, जो एमजी नरेगा के कमिश्नर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी अवेलेबल, वो वहां पर उन्होंने अटेंड किया था। उसी के टाइम उन्होंने अब ये देखा है कि इसके जो ऑडिट्स वगैरह किए जाएंगे, जहां पर भी काम करने की जरूरत होगी वो की जाएगी। तो ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। तो है क्या ये, उसके बारे में देखते हैं। 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ क्या है? एक कंपेन है जो कि स्वच्छता ही सेवा कंपेन के अंडर जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। एक नेशनल कॉल जो है वो की गई है कि 1 घंटा सिटीजन के द्वारा श्रमदान दिया जाएगा स्वच्छता की तरफ 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को आपको पता है गांधी जयंती होती है, तो उससे एक दिन पहले 10 बजे सिटीजन्स को, नागरिकों को बोला गया है कि आपको 1 घंटा श्रमदान देना है स्वच्छता के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ये रिक्वेस्ट भी की है कि श्रमदान एक्टिविटी को सभी आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर भी कंडक्ट की जाए। इस बार का जो स्वच्छता ही सेवा कंपेन है उसका थीम क्या है, गार्बेज फ्री इंडिया। ये बहुत ही बड़े लेवल पर क्लीनलीनेस ड्राइव होगी जो कि स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 का पार्ट है। 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये अभी चल रही है, जिसमें काफी सारे पब्लिक ऑफिसेस के एम्प्लॉयज को भी इसके लिए मोटिवेट किया जा रहा है, सिटीजन्स को एंगेज किया जा रहा है सफाई अभियान में, यानी कि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, कोई वाटर बॉडीज है उनकी क्लीनिंग हो गई, घाट साफ करने हैं, जो दीवारें होती हैं उनको पेंटिंग करनी है, नुक्कड़ नाटक वगैरह उनके थ्रू लोगों को अवेयर करना है,
रंगोली कंपटीशन, तो ये सारी चीजें हैं। अभी तक 5 करोड़ से भी ज्यादा सिटीजन्स ने जो स्वच्छता पखवाड़ा कैंपेन है वो भी जो ज्वाइन किया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए। 1 तारीख 1 घंटा, 1 तारीख 1 घंटा एक साथ, तो है क्या 1 अक्टूबर को 1 घंटा नागरिकों के द्वारा श्रमदान दिया जाएगा स्वच्छता के लिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, जो है आरोग्य मंथन। तो आरोग्य मंथन क्या है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करती है, वो आरोग्य मंथन ऑर्गेनाइज कर रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 साल हो गए हैं कंप्लीट उसको सेलिब्रेट करने के लिए, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 साल जो है दोनों का उसको वो कंप्लीट हो गई है, तो दोनों को जो है सेलिब्रेट करने के लिए आरोग्य मंथन 2023 का जो है कंडक्ट किया जा रहा है। जो ABDM है आयुष्मान भारत जो दिवस है, ये 27 सितंबर 2021 को लॉन्च हुआ था, बहुत ही गवर्नमेंट की एम्बिशियस स्कीम है। इसका एम क्या था? डिजिटल हाईवे एक क्रिएट करना, वो जो स्टेक होल्डर्स को हेल्थ केयर इकोसिस्टम के अलग अलग स्टेक होल्डर्स को कनेक्ट करेगा। तो ये क्या था? डिजिटल एक स्कीम थी। केरला जो स्टेट है उसको आरोग्य मंथन 2023 अवार्ड भी मिला है लगातार 3रे साल के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को देश में, पर्टिकुलरली थ्रू द करुण्य आरोग्य सुरक्षा स्कीम जो कि केरला की स्कीम है। इस अगर हम देखें हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट की टर्म्स में, ये जो अवार्ड अभी हमने बताया कि केरला ने जीता, फिर मेघालय ने जीता अगले सेकेंड नंबर पर, और पुडुचेरी ने जीता लार्ज स्टेट की उसमें, केरला ने जीता, मेघालय ने छोटी स्टेट में, और पुडुचेरी ने यूनियन टेरिटरीज में। जेंडर इक्विटी इन सर्विस डिलीवरी के फील्ड में जो अवार्ड है किसने जीते हैं? कर्नाटका ने, मेघालय ने, कर्नाटका लार्ज स्टेट में, मेघालय स्मॉल स्टेट में, और जम्मू कश्मीर ने यूनियन टेरिटरी में। तो ये जो अवार्ड है ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसी एग्जाम्पल्स भी आप अपने आंसर्स वगैरह में कोट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, अभी जो 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे होगा 2024 में, उस दिन जो बाहर से हम एक चीफ गेस्ट इनवाइट करते होते हैं हर साल, तो इस बार यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनको इनवाइट किया गया है। अगर उन्होंने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया कि ठीक है वो एज ए चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे परेड को अटेंड करेंगे, तो वो सेकंड यूएस के प्रेसिडेंट होंगे जो कि इसके लिए रिपब्लिक डे के लिए इनवाइट किए गए हैं। इससे पहले जो बराक ओबामा थे यूएसए के फॉर्मल प्रेसिडेंट, उनको इनवाइट किया गया था 2015 में। बाइडेन ने अभी रिसेंटली जो G20 की सम्मिट हुई थी इस महीने जो दिल्ली में हुई थी, वहां पर उन्होंने फर्स्ट विजिट भी पे की है इंडिया में। ये फर्स्ट विजिट थी जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद इंडिया में, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। अगर ये इन्होंने इन्विटेशन एक्सेप्ट करते हैं, न्यूज में आता है, तो हम ये डिस्कस कर लेंगे। आगे बात करते हैं विंड्स पोर्टल की। विंड्स की क्या फुल फॉर्म है? वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, जो एडवांस लेवल पर वेदर डेटा एनालिटिक्स है उसको जो स्टेक होल्डर्स को लेवरेज किए जाएंगे, सो दैट जो स्टेक होल्डर्स है इस डेटा के बेस्ड जो डिसीजन ले पाए एग्रीकल्चर के बेस्ड, इसके बेस पर क्रूशियल वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन और डेटा ये किसानों को अवेलेबल करवाया जाएगा विंड्स पोर्टल के थ्रू। इस पोर्टल के अंडर मिनिस्ट्री की जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, जो फसल बीमा योजना है, उसके बारे में भी जो पोर्टल पे चीजें अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो नॉन स्कीम पैरामेट्रिक इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो भी इस पे अवेलेबल है। एक्चुअल में इसका एम क्या है कि जो वेदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो मौसम की सारी जानकारी अवेलेबल है, लेकिन जो किसानों को, स्टेक होल्डर्स को, एम्पावर डिसीजन मेकर्स को चाहिए ग्रास रूट लेवल पर, उनका गैप ये ब्रिज करेगी। यानी कि जो स्कीम अवेलेबल है और जो चाहिए उसमें जो गैप है उसको ये खत्म करेगी। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, किसने रिलीज किया है, क्या इसका एम है। आगे बात करते हैं एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स की। रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने एनुअल जर्नल मीटिंग एंड बाइनियल कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया पैसिफिक फोरम को इनॉग्रेट किया है, जो कि न्यू दिल्ली में हुई है। इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग चैलेंजेस होते हैं सबसे सीरियस एशिया पैसिफिक रीजन में, उसको ये एड्रेस करती है। एशिया पैसिफिक फोरम की अगर बात करें तो 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें 17 फुल टाइम मेंबर्स हैं और 8 एसोसिएट मेंबर्स हैं।
आगे बात करते हैं इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट की। ये इसका 17th एडिशन होगा 2027 में, जो कि इंडिया होस्ट करेगा, न्यू दिल्ली में होगा ये। इंडिया ने जो ये इसकी बिड लगी थी उसमें स्विट्जरलैंड और यूएई भी शामिल थे, लेकिन इंडिया ने स्विट्जरलैंड और यूएई को हरा कर ये बिड जो है जीत ली है। जो IEEE है इसको जो सीमेंट और कंक्रीट के एरिया में सबसे ज्यादा प्रेस्टीजियस और बड़ा इवेंट माना जाता है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली पहला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बोट एक रिलीज किया गया है किसानों के लिए, जिसका क्या नाम है, किसान ई मित्र। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है कि आपने एक रोबोट को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाया कि वो एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग की तरह जो काम करेगा, बिहेव करेगा। इसका एम क्या है कि पॉजिटिव चेंज लेके आना किसानों की जिंदगी में, और जो भी गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करना। टेक्नोलॉजी को यूज करके गवर्नमेंट ने ये, इसलिए ये जो चैटबॉट है ये लॉन्च किया है। पहला ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसको मेजर फ्लैगशिप स्कीम के साथ इंटीग्रेट भी किया जाएगा, और ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली होने वाला है, यानी कि बहुत इजी होगा, लोग इसको बहुत आसानी से जो है चला सकेंगे। इसकी पिक्चर है ये लॉन्च की। आगे बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चाचा चौधरी एंड साबू जो कॉमिक बुक्स हैं उनके साथ एक कोलेबोरेशन किया है प्राण कॉमिक्स के साथ, कि वो चाचा चौधरी और चुनावी दंगल को जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। इससे क्या करेंगे, जो यंग वोटर्स हैं, जो एडल्ट हैं, उनको एजुकेट करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि आपको वोट देनी है, अपनी जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है उसको आपने एक्सरसाइज करना है। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार और जो इलेक्शन कमिश्नर श्री अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल है, इन्होंने ये लॉन्च की है, जिसकी आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हो। चाचा चौधरी सभी ने देखा होगा बचपन में, इनकी वो आप बोल सकते हो टीवीज में कार्टून्स की फॉर्म में भी आता था, जहां पर इसका ये दिखाया जाता था कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। तो अब इसको यूथ को मोटिवेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यूज करेंगे। इसके अलावा हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन भी अपॉइंट किया है, वो इसका भी एम यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि आपको वोट देना है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट्स की, यानी कि OIML की। इंडिया रिसेंटली 13th ऐसा देश बन गया है जो कि अब OIML सर्टिफिकेट्स इशू कर सकेगा। ये जो है लीगल मेट्रोलॉजी डिवीजन है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की, उसको ऑथराइजेशन दी गई है OIML सर्टिफिकेट्स को इशू करने की। लीगल मेट्रोलॉजी क्या है, एक मेट्रोलॉजी की ब्रांच है जो कि जो मेजरमेंट्स के लिए आप माप तोल के लिए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज करते हो, उसकी रेगुलेशन के लिए, उसकी एक्यूरेसी के लिए काम करती है कि वो जो डिवाइसेस होंगे, इंस्ट्रूमेंट होंगे, वो ठीक हो, एक्यूरेट हो, फेयर हो, सो दैट जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनका भी नुकसान ना हो और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका भी कोई नुकसान ना हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं रोड टैप की। रोड टैप की क्या फुल फॉर्म है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। रिसेंटली ये जो स्कीम है रोड टैप, इसको 30th June 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है। ये अभी पहले 30 September 2023 तक की नोटिफाइड थी, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया है, कर दिया गया है 30 June 2024 तक। इसका एम क्या है कि जो एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी है, जो कोई भी अपना माल बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करता है, उन लोगों को ड्यूटीज और टैक्सेस के रिमिशन की जाए, गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगी, सो दैट आज जितना कंपटीशन है उसमें वो सर्वाइव कर सके। तो जितना भी एक्सपोर्ट एंटिटीज होंगी, उनके मैन्युफैक्चरर को जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स को, उनको सभी को सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर जो भी चीजें होंगी उनको रिफंड की जाएंगी। ये जो स्कीम थी 1 January 2021 से चलाई गई थी, अभी 30 September 2023 को खत्म होनी थी, लेकिन इसको एक्सटेंड करके अब 2024 तक बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। सबसे पहले I2U2 इन्होंने ज्वाइंट स्पेस वेंचर अनाउंस किया है। सबसे पहले तो आपको इसके मेंबर्स पता होने चाहिए कौन कौन है, इंडिया, इसराइल, यूएई एंड यूएसए। तो आई पर दो हो गए इंडिया और इसराइल, यू पर दो हो गए यूएई एंड यूएसए। इन्होंने एक नया जॉइंट स्पेस वेंचर अनाउंस किया है, जो पहले जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली
जो जैसे काम करती है जो कि न्यूयॉर्क में है, उसी के लाइंस पर इन्होंने भी ये किया है। इसका एम क्या है कि हम एक बहुत ही यूनिक अलग एक स्पेस बेस्ड टूल बनाएंगे। क्या करेगा ये? पॉलिसी मेकर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड एंटरप्रेन्योर्स के हेल्प करेगा। ये जो ग्रुप था I2E2, ये इनिशियली अक्टूबर 2021 में बनाया गया था कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, मैरिटाइम सिक्योरिटी के रिलेटेड इश्यूज आते हैं उस पे काम करेंगे। इसका ओरिजिनल नाम था इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसको वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी कई बार जाना जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्वाइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल साउथ की। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए ग्लोबल साउथ किसके लिए यूज करते हैं। तो ग्लोबल साउथ क्या है? ऐसे देशों के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जो कि डेवलपिंग है, कम डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, जो कि प्राइमरीली अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका जो साउथ अमेरिका है वो और सेंट्रल अमेरिका, इस यहाँ पर लोकेटेड है। इस ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, यहाँ पर मैं आपको मार्कर चेंज करके दिखाती हूँ, ये जो लाइन है इसके जो साउथ में है उसको ग्लोबल साउथ बोला जाता है, ये क्लासिफाई किया जाता है, और जो इसके नॉर्थ में है उसको ग्लोबल नॉर्थ। ये जो नेशंस हैं, जो ग्लोबल साउथ वाले देश हैं, ये ग्लोबल नॉर्थ के देशों के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा गरीब हैं। यहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा है, लिविंग कंडीशंस जो है ज्यादा चैलेंजिंग है। जो ग्लोबल नॉर्थ के देश हैं वो कंपैरेटिवली अमीर देश हैं, जो कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका ये वाले देश हैं। तो ज्वाइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल साउथ क्या है? ये इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया है, इंडिया यूएन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के नाम से। डिजाइन क्यों किया गया? कि जो ग्लोबल साउथ है वहां पर ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेके आना। आपको पता होगा इंडिया ग्लोबल साउथ के लिए काफी टाइम से ऑलमोस्ट हर कॉन्फ्रेंस पे जो इंटरनेशनल लेवल पर होती है, चाहे वो G20 हो, चाहे वो आसियान हो, चाहे वो G7 हो, हर जगह जहां भी इंडिया को इनवाइट किया जाता है इंडिया ग्लोबल साउथ जरूर मेंशन करता है। तो गोल क्या है कि इंडिया का जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, इंडिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये बेस्ट एक्सपर्टीज हैं जिसके थ्रू इंडिया में कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं इंडिया के, उसको ग्लोबल साउथ में रेप्लिकेट किया जाए, शेयर किया जाए, ताकि वो देशों में भी डेवलपमेंट ला सके। इंडिया यूएस इनिशिएटिव जो है, ये इंडिया यूएन पार्टनरशिप इन द फॉर्म ऑफ इंडिया यूएन पार्टनरशिप को भी कॉम्प्लीमेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, जो कि एक 75 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक पोर्टफोलियो है 61 देशों में पिछले 6 सालों में जो प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किए गए। इस इनिशिएटिव के पार्ट की तरह जो यूएन इंडिया टीम है और जो बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, ये पार्टनरशिप करेंगे इंडिया के टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म को शेयर करने के लिए, सो दैट इंडिया का जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस है पूरी दुनिया में उसको इंडिया शेयर करेगा। तो अभी आपको ये भी पता चल गया ग्लोबल साउथ क्या है। आगे बात करते हैं 5 आईज इंटेलिजेंस अलायंस की। ये काफी टाइम से न्यूज में थी, ये क्या है? तो 5 आईज अलायंस क्या है? एक इंटेलिजेंस शेयरिंग पार्टनरशिप है 5 देशों के बीच में। कौन कौन से? USA, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा और न्यूजीलैंड। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, लेकिन अब इसको इंडिया को 5 आईज अलायंस में जो है मेंबर बनाने की बात चल रही है। तो ये न्यूज में था काफी टाइम से। ये जो नेशंस है, जो 5 मेंबर नेशंस है, ये कोलेबोरेट करते हैं इंटेलिजेंस के मैटर्स पर, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जो 5 आईज अलायंस है, इसका ओरिजिन हम दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पर जो है ट्रेस कर सकते हैं, कि तब से ये बना है जब जो यूनाइटेड किंगडम है और जो USA है, उन दोनों ने ये फैसला लिया था कि वो इंटेलिजेंस को शेयर करेंगे, जब उन्होंने जर्मन और जापानीज कोड्स को दोनों ने मिलकर ब्रेक कर लिया था। तो ये ब्रिटेन USA ब्रूजा एग्रीमेंट की तरह शुरू हुआ था, और बाद में UK USA एग्रीमेंट के नाम पर इवॉल्व हुआ। बाद में कैनेडा ने ज्वाइन किया 1949 में, फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने किया 1956 में। तो ये 5 आईज अलायंस बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं अलायंस ऑफ सहेल स्टेट्स। तो इस मैप में आप देख सकते हो सहेल स्टेट्स क्या कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो 3 जो सहेल स्टेट्स की आप बोल सकते हो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। कौन कौन सी? माली, मैं कलर चेंज करती हूँ, माली,
उसके बाद है नाइजर, देन है बुर्किना फासो। ये जो तीन देश हैं, इनके अलायंस है जिसको अलायंस ऑफ सहेल स्टेट्स बोला जाता है। इस पैक्ट के अंडर ये तीनों जो देश हैं, एक दूसरे को अगर इन पे कोई बाहर से अटैक करेगा, कोई आर्म्ड रेबिलियन होगा, तो उनको एक दूसरे को ये डिफेंस देंगे, म्यूचुअली एक दूसरे को डिफेंस करेंगे, डिफेंड करेंगे, बचाएंगे। एम यही है कि कलेक्टिव लेवल पर डिफेंस और म्यूचुअल असिस्टेंस फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश करना। आगे बात करते हैं तीसरा वाटर ट्रीटी की। ये न्यूज में था, क्यों न्यूज में था वो चीज आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक पॉलिटिकल वो है कि एक एक्टिविस्ट हैं जो नर्मदा बचाओ आंदोलन और सोशल एक्टिविस्ट हैं, मेधा पटकर जी, उन्होंने बंगाल की, वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनको रिक्वेस्ट किया है तीस्ता वाटर ट्रीटी के लिए। तो तीस्ता क्या है? तीस्ता जो नदी है ये बांग्लादेश और इंडिया के बाउंड्री के क्रॉस में फ्लो करती है। 414 किलोमीटर नदी है जो कि इंडिया में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यहाँ से जो है फ्लो करती है, दिल्ली बे ऑफ बंगाल में जाती है बांग्लादेश के थ्रू। अगर हम देखें जो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं जो किसी देश के साथ बाउंड्री के क्रॉस फ्लो करती हैं, उसमें ये चौथे नंबर पर आती है, फोर्थ लार्जेस्ट है। इससे पहले जो लार्जेस्ट कौन कौन सी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये जो है, ये जो रिवर दिखाई हुई है, ये यहाँ पर तीस्ता बैरेज भी बना हुआ है। इसकी जो लेंथ है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र दोनों जो, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, तीस्ता यहाँ पर मिलती भी है और बंगाल, बे ऑफ बंगाल में ही गिरती है। यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है इसका जो फ्लो है, तो तीस्ता रिवर मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को भी यहाँ इलस्ट्रेट किया गया है। ये न्यूज में थी, आपको पता होना चाहिए कौन से देश के साथ बाउंड्री है, फोर्थ लार्जेस्ट है, हर चीज। आगे बात हम करते हैं नगार्नो काराबाख कंफ्लिक्ट की। सो ये क्या है, ये एक एरिया है जो कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बॉर्डर पर है। यहाँ पर जो ऑरेंज कलर वाला एरिया है, ये है नगार्नो काराबाख एरिया। कंफ्लिक्ट क्या है, ये एक बोल सकते हो कि बाउंड्री कंफ्लिक्ट है। इसमें बेसिकली क्या है कि इस एरिया में रहते तो आर्मेनिया की पॉपुलेशन है, लेकिन जो कंट्रोल है वो किसके पास है, अजरबैजान के। 1994 में एक एग्रीमेंट हुआ था जो कि रशिया ने मीडिएट किया, उसके अकॉर्डिंग जो ये एरिया था इसको आर्मेनिया के अंडर कंट्रोल किया गया था, लेकिन अभी भी इंटरनेशनल लेवल पर अजरबैजान का पार्ट ये माना जाता है। तभी ये न्यूज में था। यहाँ पर जो एक सेपरेटिस्ट आर्मेनियंस की पॉपुलेशन रहती है, और इस एरिया को नगोर्नो काराबाख ऑटोनोमस ओब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये न्यूज में था। जो प्लेसेस इन न्यूज होती है बहुत कॉमनली पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन की। अफ्रीकन यूनियन जो कि 55 देशों का एक ग्रुप है, जिसने रिसेंटली G20 को 21st मेंबर की तरह ज्वाइन भी किया है इंडिया के प्रेसिडेंसी के अंडर। अफ्रीकन यूनियन ने जो अनाउंस किया है कि वो खुद का एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अनाउंस करेंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि एक ऐसे क्रेडिट रेटिंग देती है। क्रेडिट रेटिंग का क्या मतलब है, मान लो कोई पर्सन है ए, कोई पर्सन है ए, इसने बी पर्सन से लोन लिया। अब ए पर्सन की बी पर्सन को लोन वापस करने की कितनी क्षमता है, उसके बेस्ड पर इसको क्रेडिट रेटिंग दी जाएगी ए को। वो काम होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंडिया में बैंक में लोन लेने जाना है, तो वो आपका क्या देखेंगे, आपका जो क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, उससे क्या उनको पता चलता है कि इस इंसान को अगर हम लोन देंगे तो इसकी कितनी क्षमता है कि वो लोन वापस दे सकेगा, उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी और जो ब्याज है वो भी। तो अफ्रीकन यूनियन ने बोला है कि जो बाकी की एजेंसीज हैं, जैसे क्राइसिल है, बहुत सारी एजेंसीज हैं, वो इसको अफ्रीकन यूनियन की जो जो इनकी रेटिंग वगैरह है वो अनफेयर देती हैं, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो उसी की वजह से अफ्रीकन यूनियन खुद का एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है अगले साल लॉन्च करेगी। अब बात करते हैं स्टेट न्यूज की। सबसे पहले है इंडिया का पहला पॉलीथिन वेस्ट बैंक। 25 सितंबर 2023 को हमारे देश का पहले 3 पॉलीथिन गार्बेज बैंक एस्टैब्लिश किए गए हैं उत्तराखंड में, देहरादून कंट बोर्ड ऑफ उत्तराखंड के द्वारा। किसके लिए, जो पॉलीथिन वेस्ट है उसको डिस्पोज करने के लिए। इसका जो गार्बेज बैंक है जो कि गड़ी में लोकेटेड है, स्टेट के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया। 2 पॉलीथिन वेस्ट बैंक जो है गड़ी में
देहरादून के गढ़ी में और तीसरा प्रेमनगर में जो है खोला गया है। पहला एक टाइप का ऐसा बैंक है देश में जो कि घरों से रोड से डर्ट को क्लीन करेगा और एक मीडियम भी बनेगा इनकम का। जो पॉलिथिन होगा इस बैंक से कलेक्ट करके आगे भेजा जाएगा जिसको टाइल्स बोर्ड्स पोर्ट्स ऐसे चीजों बनाने के लिए यूज किया जाएगा। इस कलेक्शन सेंटर्स में जो पॉलिथिन वेस्ट होगा जैसे कोई पॉलिथिन बैग हो गया, लिफाफा हो गया, कोई चिप्स हो गए, रैपर्स हो गए, पैकिंग बैग्स हो गए, जो भी प्लास्टिक पॉलिथिन के जो मटेरियल होंगे वो खरीदे जाएंगे ₹3 per kg के हिसाब से लोगों से और फिर उनको आगे चीजें बनाने के लिए बेचा जाएगा। इससे क्या होगा, जो पॉलिथिन डंप होता है हमारे ओशियंस में वाटर बॉडीज में उसको कम करने की या बंद करने की कोशिश की जा रही है। आगे बात करते हैं फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ ओडिशा असेंबली की। पहले तो ये चीज की ऐसी एग्जांपल आप अपने वुमेन एम्पावरमेंट वाले टॉपिक्स में कोट भी कर सकते हो। सो ओडिशा असेंबली की पहली वुमेन जो स्पीकर बनी है ये पॉलिटिकल पार्टी अगर देखे बीजू जनता दल से बिलोंग करती है, इनका नाम है प्रमिला मलिक जिनकी आप पिक्चर भी देख सकते हैं। ये 6 टाइम MLA भी रही है बिंजरपुर असेंबली सीट से जो कि उड़ीसा के जजपुर जिले से है और ये जो सीट है ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए रिजर्व थी। अब बात करते हैं पहली ग्लोबल टर्मेरिक कॉन्फ्रेंस की जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में हुई है। ये कॉन्फ्रेंस NICR जो कि NCDEX ग्रुप की एक आम है उन्होंने केफलास के साथ कोलेबोरेट करके ऑर्गेनाइज की। इसका जो एम क्या है, टर्मेरिक इंडस्ट्री जो हल्दी की इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्शन मार्केटिंग इंटरनेशनल ट्रेड हर चीज पे फोकस करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा नई डेवलपमेंट्स में, नई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, जो हल्दी का एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उस पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर। यहाँ पर आप इसकी लॉन्च की पिक्चर भी देख सकते हो तो कहाँ पर हुई है, मुंबई में। आगे बात करते हैं इंडिया स्मार्ट सिटीज कंक्लेव की। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स 2 दिन की इंडिया स्मार्ट सिटीज कंक्लेव 2023 ऑर्गेनाइज कर रही है मध्य प्रदेश के इंदौर में। ये स्मार्ट सिटीज मिशन के अंडर लॉन्च की गई है। स्मार्ट सिटीज मिशन जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था, इसका एम क्या है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल साफ और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना स्मार्ट सॉल्यूशंस के थ्रू नागरिकों को। तो इसमें क्या है, इंडिया स्मार्ट सिटीज कंक्लेव पीसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में की गई है। आगे बात करते हैं अटल आवासीय विद्यालय। अटल आवासीय विद्यालय से रिसेंटली 16 विद्यालय यूपी में जो है इनॉग्रेट किए गए हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा वाराणसी में। हर स्कूल को 10 या 15 एकड़ में बनाया जाएगा। इसमें क्लासरूम्स होंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होगी, मिनी ऑडिटोरियम होगा, हॉस्टल फैसिलिटी होगी, बहुत सारी फैसिलिटीज होगी और एक स्कूल में इसका गोल क्या है कि इन स्कूलों में 1000 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट किया जाए। यहाँ पर आप इसकी भी लॉन्च की पिक्चर देख सकते हो। आगे बात करते हैं यूपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंस्टेंट बर्थ सर्टिफिकेट फॉर न्यू बॉर्न एट हेल्थ फैसिलिटीज लॉन्च किया है। भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने ऐसी कोई फैसिलिटी को लॉन्च किया है। डायरेक्टोरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस लखनऊ, इन्होंने यूपी नेशनल हेल्थ मिशन के साथ पार्टनरशिप किया, यूनिसेफ के साथ, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया दिल्ली के साथ, सो दैट कि जब भी किसी भी बच्चे का बर्थ होगा ऑटोमेटिक बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा गवर्नमेंट फैसिलिटीज में। गवर्नमेंट ने मां नवजात ट्रैकिंग ऐप को इंटीग्रेट किया है बर्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम के साथ, सो दैट लोगों को दिक्कत ना आए जब भी उनको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। जो न्यू बॉर्न्स होंगे गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज में यूपी के, उनको बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा जब भी डिलीवरी हो जाएगी बेबी की, इमीडिएटली उसके बाद जब भी जो पेरेंट्स उनको इसके लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। आगे बात करते हैं सोलर वाटर पंप इंस्टॉलेशन जो है सबसे ज्यादा जो किस स्टेट ने इंस्टॉल किया है। राजस्थान ने सबसे ज्यादा सोलर वाटर पंप इंस्टॉल किए हैं। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो राजस्थान के किसान हैं उनको सब्सिडी भी दी गई थी कि वो सोलर पंप इंस्टॉल करें ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस पर या डीजल पावर प्लांट्स पर ना उनको डिपेंडेंट रहना पड़े बल्कि सोलर पंप्स के थ्रू इरिगेशन करें। दूसरा सस्टेनेबल भी है, पॉल्यूशन नहीं करता, इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। आगे बात करते हैं इंडिया के फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल की जो कि गोवा के पणजी में हुआ है फोर्ट अगुआड़ा में।
यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो कितनी सुंदर जो फूड की जो बिल्डिंग है उनको लाइट जो शो के साथ डेकोरेट किया गया है। ये 3 दिन का फेस्टिवल था, 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक चला था और इसका एम क्या था कि लोगों जो हमारे देश के लाइट हाउसेज है उसको टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह प्रमोट करना। आगे बात करते हैं एमपी में रिसेंटली जो नौरा देही एंड वीरंगाना दुर्गावती सेंचुरी है इनको मर्ज करके 7वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, वीरंगाना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये सागर दमोह नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। इससे पहले एमपी में 6 टाइगर रिजर्व हैं, कौन कौन से, कान्हा बांधवगढ़ सतपुड़ा पेंच पन्ना संजय दुबरी। एनटीसीए के अकॉर्डिंग जो 2022 की रिपोर्ट रिलीज हुई थी स्टेटस ऑफ टाइगर्स उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, सेकेंड नंबर पर है कर्नाटक और थर्ड पर है उत्तराखंड। तो आपको ये टाइगर रिजर्व का नाम ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं गोवा स्टेट शैक पॉलिसी 2023 से 26 तक। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए शैक क्या है, ये आप देख सकते हो फोटो, ये शैक्स इनको बोलते हैं, ये जो टेम्पररी बेसिस पर इको फ्रेंडली हट्स वगैरह बनाई जाती हैं। तो गोवा की गवर्नमेंट ने जो ये पॉलिसी अप्रूव की है इसमें क्या होगा, टेम्पररी बीच शैक्स हो गए, डेक बेड्स हो गए, अम्ब्रेलाज हो गए, वो खड़े करने के लिए उसको अप्रूव किया गया है अगले 3 टूरिस्ट सीजन में। अभी 1 सितंबर से 31 मई तक जो पीक टूरिस्ट सीजन है उसी टाइम जो है गोवा में ये चीजें इको फ्रेंडली लेवल पर इको फ्रेंडली मटेरियल यूज करके ये इंस्टॉल कर सकते हैं। जब 10th जून तक ये सारे शैक्स जो है डिसमेंटल कर दिए जाएंगे। अभी मैंने आपको शैक की फोटो दिखाई, बहुत ही सिंपल और छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती हैं, कोई लकड़ी से बना, कोई मेटल से या कोई घास फूस से, बहुत जो इको फ्रेंडली वे में बनाई जाती है। अब बात करते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की जो कि मध्य प्रदेश में है। अभी हमने देखा यहाँ पर एलिफेंट महोत्सव जो है ये स्टार्ट हुआ है, 7 दिन तक चलेगा। इसका गोल क्या है, लोगों को एलिफेंट्स के बारे में एजुकेट करना और जो लोगों की जंगली जानवरों के बारे में मिसकंसेप्शन है उसको खत्म करना। यहाँ पर आप देख भी सकते हो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, यहाँ पर कान्हा है, दोनों दिखाए हुए हैं। अब बात करते हैं कर्नाटका की, एक कमेटी बनाई गई है कर्नाटका में एमजी हेज के अंडर, ये इसके चेयरमैन होंगे। इसका एम क्या है कि जो अगले साल के लिए टेक्स्ट बुक्स है, स्कूल बुक्स है, उनको जो है रिवाइज किया जाए। अभी जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो भी अभी मॉडर्न टाइम है, जो भी चेंजेस है, जो रिक्वायरमेंट है फिलहाल, उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक्स को रिवाइज किया जाएगा। इसमें 37 मेंबर्स होंगे, तो एमजी हेज कमेटी का आपको नाम ध्यान रखना है। साइंस एंड टेक के न्यूज देखते हैं आप। सबसे पहले है निपाह वायरस आउटब्रेक के मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है। निपाह वायरस क्या है, इसके केसेस अभी केरला में देखे जा रहे हैं। निपाह एक वायरस है जो कि काफी एक फेटल डिजीज करता है, कॉज करता है, जिससे डेथ्स भी हो जाती है लोगों की। तो इसी के रेफरेंस में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पर ये आर्टिकल था। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है, इनको मो एब्स और एम एब्स भी बोला जाता है। ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं लेबोरेटरीज में, लेकिन जो हमारी बॉडीज में नेचुरल एंटीबॉडीज होती हैं उसी की तरह ये काम करते हैं। एंटीबॉडीज क्या है, इम्यून सिस्टम का हमारे पार्ट है। ये एंटीजन्स जो है, जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, उनको देखते हैं और उनपे चिपक जाते हैं, सो दैट विद टाइम उसको खत्म कर दें। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज क्या है, ये आर्टिफिशियल वे में बनाई जाएंगी और बॉडीज में इंजेक्ट की जाएंगी, सो दैट एंटीबॉडीज जो है नेचुरली उसी की तरह ये काम करें। इसी के रिगार्डिंग एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ट्रू नेट टेस्ट। ट्रू नेट टेस्ट जो है ये एक पोर्टेबल स्मार्ट चिप बेस्ड बैटरी ऑपरेटेड आरटीपीसीआर यूज करता है, जो पहले हमने कोविड के टाइम पे भी यूज किया था। तो उसको निपाह वायरस की जो है डिटेक्शन के लिए यूज करने के लिए आईसीएमआर ने जो सेंक्शन कर दिया है। ट्रू नेट ये फर्स्ट किट है इंडिया में जो कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए इसको अप्रूवल मिला था ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से, निपाह वायरस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए केरला को सेंक्शन मिली है आईसीएमआर से कि आप ट्रू नेट टेस्ट को यूज करके निपाह को डायग्नोस करने में हेल्प ले सकते हो। आगे बात करते हैं पीईटी 46 की। सो रिसेंटली रिसर्चर्स ने एक नई डीप, बहुत ही डेप्थ पर एक सी एंजाइम की डिस्कवरी की है, जो कि
पॉलीएथिलीन टेरेफथलेट है जो उसको डिग्रेड कर सकता है, उसको छोटे छोटे उसमें डिग्रेड कर सकता है। आपको पता होगा जो पीईटी है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह इसको डिग्रेड नहीं कर सकते, तो ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं, डंप बन जाता है हमारी वाटर बॉडीज में। तो अभी रिसर्चर्स ने एक नया एंजाइम देखा है जिसका नाम है PET46 दिया है कि वो इसको डिग्रेड करेगा। ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है पीईटी, जो कि इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिफथैलिक एसिड को यूज करके पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है। जब इकट्ठे इसकी हीटिंग की जाती है केमिकल कैटलिस्ट के अंदर, तो इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिफथैलिक एसिड जो है पीईटी प्रोड्यूस करता है मोल्टन और विस्कस मास की तरह, जो कि आप बाद में जिसे प्लास्टिक बनाने में यूज करते हो, फाइबर्स बनाने में सॉलिडिफाई करके। तो PET46 क्या है आपको पता होना चाहिए, ऐसे एग्जांपल्स भी आप अपने क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो। आगे बात करते हैं सीट्रैन की। सो सीट्रैन क्या है, रिसेंटली IISER भोपाल ने एक स्पेसिफिक सर्कुलर आरएनए जिसका नाम है सिर्क आरएनए, उसको आइडेंटिफाई किया है कि ये एड्स कॉजिंग जो HIV वायरस है उसके मल्टीप्लीकेशन में ह्यूमन बॉडी में काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो ये स्टडी ने देखा कि जो सीट्रैन है इसका काम यही है कि वो HIV-1 ट्रांसक्रिप्शन को मॉड्यूलेट करता है, उसके बाद वायरस अपने आप को आगे कॉपी करता रहता है, रेप्लिकेट करना है, 1 से 2 बनाना, 2 से 4 बनाना होस्ट सेल्स में। तो सर्कुलर आरएनए ऐसे होता है, जो लीनियर आरएनए ऐसे होता है बिल्कुल स्ट्रेट, उसमें उसके बाद ये कैनोनिकल स्प्लिसिंग होती है और सर्कुलर आरएनए बन जाता है। एड्स की अगर बात करें सबसे पहले तो इसकी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बहुत ही क्रॉनिक और पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिससे लोगों की डेथ होती है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसी को खत्म कर देता है, हमारी बॉडी की एबिलिटी को खत्म कर देता है कि हम हमारी बॉडी इन्फेक्शन से बीमारियों से लड़ सके। जो आरएनए की अगर बात करें, राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक मॉलिक्यूल है जो कि लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है और प्रोटीन्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। आरएनए जर्नली स्ट्रेट चेन में होते हैं, मैंने आपको अभी दिखाई, देखो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होते हैं, फ्री एंड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो सर्कुलर आरएनए है ये क्लोज्ड लूप बनाते हैं ऐसे, ये देखो ऐसे सर्कल की फॉर्म में से क्लोज्ड लूप बनाते हैं। आगे बात करते हैं NOR-3 सैटेलाइट की, जो कि रिसेंटली ईरान ने लॉन्च किया है। ईरान ने ये प्रेस उसमें बताया है कि उन्होंने एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले किया है रिसेंटली इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च करके, जिसका नाम है NOR-3। तो काफी वेस्टर्न कंट्रीज में इस पे कंसर्न जाहिर किया जा रहा है। ईरान ने बोला है कि हमने अर्थ के ऊपर 450 किलोमीटर के ऑर्बिट में NOR-3 को जो है प्लेस कर दिया है। आगे बात करते हैं, रिसेंटली एक रिपोर्ट, एक सर्वे देखा गया जो रिलीज हुआ है, जो कि ICMR ने पब्लिश किया, ICMR ने किया, इसके अकॉर्डिंग WHO की जो रिकमेंडेशन है सॉल्ट इनटेक, आप कितना नमक ले सकते हो एक दिन में, वो है सिर्फ अप टू 5 ग्राम डेली। लेकिन इस रिपोर्ट ने देखा है कि इंडिया में मीन एवरेज से काफी ज्यादा नमक खाया जाता है, मेन में तो 8.9 ग्राम के करीब और फीमेल्स में 7.9 ग्राम के करीब। जो नमकीन, जो नमक ज्यादा लेने के सोर्सेज हैं, कौन कौन से, नमकीन पापड़ पैकेज्ड चिप्स हो गए जो आप लेज वगैरह खाते हो, सोया मस्टर्ड सॉस हो गई, जो सॉल्टी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे अचार हो गए, चटनी हो गई, इन चीजों से जो सॉल्ट इनटेक है वो ज्यादा होता है। जो सॉल्ट इनटेक हाई है इससे क्या है, काफी हेल्थ रिस्क होते हैं, जैसे कि हाई बीपी हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गई, ओबेसिटी हो गई, डायबिटीज वगैरह हो गई, हर चीज से रिलेट की गई है। तो आपको जो ये डेटा है स्टैट है ध्यान में रखना है। एनवायरमेंट की न्यूज देखते हैं, सबसे पहले है आर्टिफिशियल रीफ। आर्टिफिशियल क्या रीफ क्या है, सो जो रीफ्स होती है उसी को मैनमेड स्ट्रक्चर बनाया जाता है, आर्टिफिशियली एक रीफ बनाई जाती है जो कि नेचुरल रीफ के कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉपी करने की कोशिश की जाती है, एक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन यूज करके, सो दैट हम जो नेचुरल हैबिटेट्स वगैरह है उसको इम्प्रूव कर सके, उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके, एक्वेटिक रिसोर्सेज को मैनेज कर सके, जैसे कि हैबिटेट एनहांसमेंट हो गया। जो मटेरियल यूज होता है आर्टिफिशियल रीफ्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसमें रॉक्स हो गई, सिंडर ब्लॉक्स हो गए, वुड हो गए, ओल्ड टायर, ये चीजें यूज की जाती हैं। एम क्या है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने 732 आर्टिफिशियल रीफ
को सेंक्शन किया है 10 कोस्टल स्टेट्स में इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेजेस के अंडर, जो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है, एक फ्लैगशिप स्कीम है जो कि फिशरीज सेक्टर के फोकस्ड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। इन्वेस्टमेंट 20,000 करोड़ के अराउंड इसमें इन्वेस्टमेंट की गई है 5 सालों के लिए, 2020 से लेकर 2024-25 के लिए। एम क्या है, फिश की प्रोडक्शन को बढ़ाना, एडिशनल 7,00,000 टन जो है प्रोडक्शन करनी 2024-25 तक। आगे बात करते हैं क्लाइमेट एम्बिशन समिट की। सो क्लाइमेट एम्बिशन समिट क्या है, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कंडक्ट की गई है न्यूयॉर्क में, जहां पर चाइना, यूएसए और इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्लाइमेट एम्बिशन समिट यूएन ने ऑर्गेनाइज की थी, जहां पर क्रेडिबल एक्शंस, पॉलिसीज, क्लाइमेट चेंज को कैसे एड्रेस करना है, हर चीज डिस्कस की गई। और जो पेरिस एग्रीमेंट में हमने ये जो गोल को किया है कि ग्लोबल टेम्परेचर को हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देंगे, तो वो कैसे अचीव करना है उस पे ये समिट में डिस्कशन हुई थी। अब बात करते हैं असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, क्योंकि ये न्यूज में थी। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, सदरन दिल्ली रिज जो है अरावली हिल्स रेंज का, वहां पर है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर में, सदरन दिल्ली में है और कुछ इसका हिस्सा नदरन फरीदाबाद और जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है जिसको पहले गुड़गांव बोला जाता था वहां पर है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ देखी जाती है, बहुत स्पीशीज है वाइल्ड लाइफ की, मेडिसिनल प्लांट्स की बहुत सारी स्पीशीज है, बटरफ्लाईज की, मैमल्स है जैसे लेपर्ड्स हो गए, नील गाय हो गई, ब्लैक बक हो गया, हर चीज इसमें देखी गई है। तो ये जो स्टडी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो सस्टेनेबल इको टूरिज्म को प्रमोट करना, जो सॉइल एंड ग्राउंड वाटर प्रॉपर्टीज है उसको स्टडी करना, पोटेंशियल जो चेंजेस है आसपास के गांवों में उसको देखना। तो ये सारे इसमें स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स है, कहां पर है ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जो नीली झील है ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये मैन मेड लेक है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है लेक का नाम देकर कि क्या ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, तो ये मैन मेड लेक। आगे बात करते हैं नीलगिरी ताहर की, जिसकी आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिख रही है। नीलगिरी ताहर ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि तमिलनाडु और केरला ने अनाउंस किया है कि वो एक सेंसस करेंगे, जो जैसे जनगणना होती है लोगों की गिनती होती है, वैसे ही नीलगिरी ताहर का सेंसस होगा। ये दोनों ही स्टेट्स में क्यों, क्योंकि ये जो एनिमल है ये इन दोनों स्टेट्स में ही पाया जाता है। IUCN स्टेटस की अगर बात करें तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जिसको इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, उसके शेड्यूल 1 के अंडर प्रोटेक्शन दी जाती है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है। आगे बात करते हैं बिहार की। सो बिहार की कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। इससे पहले बिहार में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके लिए काफी टाइम से बात चल रही है। NTCNA यानी कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इन पेपर तो उन्होंने इसके लिए अप्रूवल दे दिया है। इसको अभी जो फाइनल प्रपोजल है वो NTCA को भेजा गया है, तो इसका जो अप्रूवल, फॉर्मल अप्रूवल आने की वेट है, तो इसके बाद ये बिहार में सेकंड टाइगर रिजर्व बन जाएगा। आगे बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में जो पहले कोनोकार्पस ट्रीज जो है ये साबरमती रिवर फ्रंट में और वहां से लेकर रामवन अर्बन फॉरेस्ट में ये देखे जाते थे, यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो, इसकी अभी जो ये प्लांट्स को लगाना बैन कर दिया है। क्यों, क्योंकि ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है, इन्वेजिव मैनग्रोव स्पीशीज है। इन्वेजिव स्पीशीज होती है जो उस एरिया की ओरिजिनल स्पीशीज नहीं होती, बाहर की स्पीशीज होती है जो उस एरिया की ओरिजिनल स्पीशीज को, इंडिजीनियस स्पीशीज को नुकसान पहुंचाती है। तो कोनोकार्पस की बात करें, एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि कॉम्ब्रेट फैमिली से बिलोंग करता है, इन्वेजिव मैंग्रोव स्पीशीज है। जो अरेबियन पेनिनसुला के देश हैं वो इस प्लांट को यूज करते हैं, जब भी रेगिस्तान में कोई तूफान वगैरह आता है तो सैंड ना उड़े उसको ब्लॉक करने के लिए और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ये जो ट्री है ये अपने, क्योंकि पूरे साल इसके जो पत्ते हैं वो ग्रीन रहते हैं, उसी के लिए फेमस है। और ये एक्सट्रीम जो क्लाइमेट है, चाहे वो ज्यादा सर्दी हो चाहे ज्यादा गर्मी हो, उसको भी ये टॉलरेट कर सकता है। तो इसी वजह से न्यूज में था, कहां पर इसको बैन किया गया है, गुजरात में। आगे बात करते हैं कोल वेटलैंड्स की, जो कि केरला में है। ये एक इंटरनेशनली
रिकॉग्नाइज्ड रामसर साइट भी है जिसके अंडर वेटलैंड्स को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पर एक इन्वेसिव एलियन प्लांट है जिसका नाम है कम्बोम्बा फरकटा, जिसको पिंक ब्लूम के नाम से जाना जाता है। इससे इसको खतरा देखा जा रहा है। यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ऐसे पिंक कलर के ऐसे फ्लावर्स होते हैं, देखने में सुंदर लगता है लेकिन इकोसिस्टम के लिए काफी डेंजरस है। ये बेसिकली सेंट्रल और साउथ अमेरिका से बिलोंग करता है, लेकिन केरला में एक एरियन प्लांट की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अभी ये खतरा बन गया है कोल फील्ड के लिए। जो पहले वाटर हायसिंथ है, सल्विनिया मोलेस्टा है, उसी के साथ ही मिलकर एक खतरा बन गया है। तो ये न्यूज में था, आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है, नेट जीरो एमिशंस बाय 2050 या रोड मैप फॉर ग्लोबल एनर्जी सेक्टर। इस रिपोर्ट को वैसे मई 2021 में रिलीज किया गया था, लेकिन अभी जो सितंबर 2023 में दोबारा से इस पे बात हुई है। ये रिपोर्ट बेसिकली है क्या, पेरिस में जो एग्रीमेंट हुआ था कि ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ने देना, तो उसके लिए प्रैक्टिकली क्या एक पाथवे है उसको ये करता है। 2023 का अपडेट है नेट जीरो रोडमैप सर्वे का, उसने बताया है कि नेट जीरो अगर हमने करना है एमिशंस को 2050 तक, तो काफी चीजें करनी पड़ेगी। इसकी जो की फाइंडिंग्स है, की हाइलाइट्स है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसने बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर लिमिट करना है तो काफी ये हार्ड है। क्यों? क्योंकि जो पॉसिबिलिटी है काफी कम हो गई है। क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी दुनिया में ग्रो कर गया है, जैसे सोलर पावर हो गया, इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह हो गई, लेकिन अभी भी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। और इसने सजेशन क्या दी है कि जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये चीजों, इनकी कैपेसिटी को 3 गुना हमने करना है इस दशक के एंड में। कार्बन कैप्चर यूज करना है इसके लिए, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज, ये चीजें, तो हम थोड़ा बहुत इसके पास में पहुंच सकेंगे। आगे बात करते हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली कमिट किया है कि वो स्टबल बर्निंग को, स्टबल बर्निंग क्या है, जैसे धान के जब कटाई हो जाती है उसके बाद जो बच जाता है खेतों में, उसको ऐसे आग लगा दी जाती है, जैसे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो। तो अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने बोला है कि पिछले साल से कंपेरेटिवली हम 50% केसेस जो है इस पर कम करेंगे। डिफेंस न्यूज की देखते हैं, सबसे पहले है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, इसका रिसेंटली 19th एडिशन हुआ है, ज्वाइंट इंडिया यूएस आर्मी एक्सरसाइज है, कहां पर, यूएसए के अलास्का के फोर्ट वेल राइट में, दोनों साइड से इसमें पार्टिसिपेट किया है आर्मीज ने। आगे बात करते हैं एडीएमएम प्लस ईडब्ल्यूजी ऑन काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज की, जो कि एक मल्टीनेशनल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि इस पर रशिया होस्ट कर रही है एज अ को चेयर ऑफ ईडब्ल्यूजी अलॉन्ग विद म्यांमार। इंडिया की जो आर्मी है वो भी इसमें पार्टिसिपेट जो करने के लिए निकल गई है। आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज में, जो कि 25 से 30 सितंबर में रशिया में हो रहा है। आगे बात करते हैं स्वावलंबन 2.0, एक रोड मैप है जो कि इंडियन नेवी ने डेवलप किया है। इसमें क्या है कि अब तक उन्होंने क्या अचीव किया है, क्या उन्होंने टेक्नोलॉजी के फील्ड में हर चीज अचीव की, वो इसमें बताएंगे। इन्होंने टारगेट रखा था कि हम इंडिया की इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो है प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो उसी की एक रिपोर्ट है स्वावलंबन 2.0, एक रोल मैप है जो कि इंडियन नेवी का है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स, रिपोर्ट्स, अवार्ड स्कीम एंड इंडेक्सेस की। सबसे पहले पीआरआईपी स्कीम, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर जो है इन्होंने लॉन्च किया है, जिसकी फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर। इसका एम क्या है, इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसको ट्रांसफॉर्म करना, कॉस्ट बेस्ड से लेकर इनोवेशन बेस्ड, यानी कि इनोवेशन को, रिसर्च को इतना ज्यादा स्ट्रेंथन करना है कि हम जो इंडस्ट्री को, इसको इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर सके। इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेज को प्रमोट करना है आरएनडी के लिए प्रायोरिटी एरियाज में। 5 सालों के लिए स्कीम की गई है, 2023-24 से लेकर 27-28 तक चलेगी। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी इंडस्ट्रीज को, एमएसएमई को, स्टार्टअप्स को। इसमें 2 कंपोनेंट है स्कीम में, एक तो ये कि रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाएगा, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है एस्टेब्लिश किए जाएंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में। इसके बाद दूसरा है
रिसर्च को फार्मास्यूटिकल सेक्टर में प्रमोट करना, 6 प्रायोरिटी एरियाज में रिसर्च को एनकरेज करके, जैसे कि न्यू केमिकल एंटिटीज हो गई, कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स हो गए, जैसे बायोसिमिलर्स, मेडिकल डिवाइसेस वगैरह। आगे बात करते हैं इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 की, जो कि रिसेंटली जो पब्लिश की गई है इंडिया एजिंग रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या उन्होंने हाईलाइट किए हैं। इस रिपोर्ट ने ये देखा है कि 2046 तक जो बूढ़े लोग हैं, जो ज्यादा एज वाले लोग हैं, वो जो 0 से 14 साल की आबादी है उससे काफी ज्यादा हो जाएंगे। एजिंग इंडेक्स जो है यही मेजर करता है कि 60 प्लस के जो एज के लोग हैं, 100 बच्चों की पॉपुलेशन जो 15 साल से कम की एज के, उससे पीछे उसके प्रपोर्शन में जो सीनियर सिटीजन है वो कितने हैं। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंडिया की एक रिपोर्ट हुई थी इन कोलेबोरेशन विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, उन्होंने ही ये जो है रिलीज की है। इसमें चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, इंस्टीट्यूशनल की जो एल्डरली लोग हैं क्या क्या चैलेंजेस फेस करेंगे, उन्होंने बोला है कि एल्डरली पॉपुलेशन की जो दशक की ग्रोथ है 41% रहेगी 2050 तक, और इसमें से जो ग्रोथ रेट 41%, उसमें से अराउंड 20% जो है एल्डरली पॉपुलेशन होगी, और इसमें से एल्डरली पॉपुलेशन में से 40% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है गरीब वेल्थ में, जो उस कैटेगरी में आती है, जो कि काफी चैलेंजेस फेस करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इस साल पूरे दुनिया में एक नंबर पर आ जाएगी, UNFPA की हमने ये रिपोर्ट भी देखी थी। तो इसके साथ जो चैलेंजेस है ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2023 की, जो कि इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने दी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 5 टाइप के राइनोज होते हैं। व्हाइट राइनो, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, व्हाइट राइनो ये क्या है, इसका IUCN स्टेटस है नियर थ्रेटेंड, इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है। इसके बाद है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, इसका स्टेटस है वल्नरेबल, पिक्चर देख सकते हैं। देन है ब्लैक राइनो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। देन है जावन राइनो, जो कि स्टेबल है, जिसकी पॉपुलेशन स्टेबल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वैसे सुमात्रन राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो इसमें क्या बताया कि जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है, जो गैंडा होता है, वन राइंड जो राइनो है, इसकी पॉपुलेशन इंडिया और नेपाल में ज्यादा हो रही है, जो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन की रिपोर्ट में बताया। हालांकि जो हंटिंग है, पोचिंग है, हैबिटेट लॉस है, ये खतरा है राइनोस को पूरी दुनिया में ही, लेकिन इंडिया, भूटान और नेपाल ने कोलैबोरेट किया था, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दी थी, जिससे 20% तक जो है पॉपुलेशन इनकी पिछले दशक में बढ़ी है। इंडिया में 3262 राइनोस जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। आगे बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की, जिसमें इंडिया का कितना रैंक रहा, 40th रैंक। ये कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो। फर्स्ट रैंक है स्विट्जरलैंड का, लगातार 13 साल हो गए स्विट्जरलैंड ही इसमें टॉप पर है। इसके बाद सेकंड पर है स्वीडन, देन है यूएसए, देन है यूके, देन है सिंगापुर, और इंडिया के रैंकिंग देख ली। जो इंडिया है ये लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में और जो सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका की जो इकोनॉमीज है उसमें टॉप पर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023, ये IMD रिलीज करती है। इसमें भी स्विट्जरलैंड टॉप में है, लेकिन लग्जमबर्ग सेकंड प्लेस पर है, देन है आइसलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड। इंडिया की पोजीशन देखें तो 56 पोजीशन है, जो कि अच्छी नहीं है। पहले इसकी पोजीशन 52nd थी 2022 में, अब और भी कम हो गई है। ये जो रिपोर्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट रिलीज करती है, बहुत सारे फैक्टर्स के बेस्ड, फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टेट्यूटरी मिनिमम वेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन एटसेट्रा। आगे बात करते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की, जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन ने रिलीज की है, जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को देखा जाता है। इसमें 91 इंडियन यूनिवर्सिटीज ने जो है उनको पोजीशन मिली है। मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियन यूनिवर्सिटीज में IISc बेंगलोर है, उसको टॉप स्पॉट देखने को मिला। 2017 से ही ऐसी चल रही है। इंडिया जो है 4th मोस्ट वेल रिप्रेजेंटेड नेशन बना है 2024 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग, पहले 6th प्लेस पर था। आगे बात करते हैं वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी की, जो कि कैनेडियन थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है। ये जो रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग जो सिंगापुर है ये टॉप स्पॉट पर है वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी पे। हांगकांग जो है सेकंड नंबर पर है। इंडिया की अगर पोजीशन देखें 87 है, और टॉप 5 फ्रीएस्ट इकोनॉमीज कौन कौन सी है, सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड एंड USA।
आगे बात करते हैं बिसवनाथ घाट की, जो कि बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया 2023 में जो सिलेक्ट हुआ है। ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो विलेज है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है, जिसको गुप्त काशी भी बोला जाता है, और एंशियंट बिसवनाथ मंदिर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसमें शिव मंदिर भी एक फेमस, जो कि बूढ़ी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र जो दोनों नदियां यहाँ पर मिलती हैं, वहां पर इसलिए जो है शिव टेम्पल वहां पर मौजूद है। आगे बात करते हैं नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 की, जहां पर उड़ीसा की एक साइंटिस्ट स्वाति नायक ने ये अवार्ड जीता है। उड़िया की ये पहली साइंटिस्ट है। ये अवार्ड उनको फूड एंड न्यूट्रिशन के फील्ड में जो उन्होंने काम किया उसके लिए मिला है। ये थर्ड इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला, लेकिन उड़ीसा से पहली जो है रिसर्चर है, साइंटिस्ट है। इसके अलावा ऐसी एग्जाम्पल आप वुमेन एम्पावरमेंट में कोट भी कर सकते हैं। बेस्ट विलेज टूरिज्म विलेज में एक जो वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के कीर्तेश्वर विलेज को भी अवार्ड मिला है। ये अवार्ड 27 सितंबर को मिला है। यहाँ पर कीर्तेश्वर जो मंदिर है काफी फेमस है, जो कि 51 शक्ति पीठ में से एक है। आगे बात करते हैं जस्टिस गीता मित्तल कमेटी की, दोबारा से न्यूज में थी, पहले हमने भी डिस्कस की है। जस्टिस गीता मित्तल कमेटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बनाई थी। मणिपुर में जो भी वायलेंस हुआ है वहां पर रिलीफ को, रिहेबिलिटेशन को, जो भी वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप खराब जो डैमेज कर दिए थे उनके रिहेबिलिटेशन को देखने के लिए, तो जस्टिस गीता मित्तल कमेटी जो है क्या है आपको पता होनी चाहिए, क्या इस किस पर्पस के लिए बनाई गई थी। टू मॉनिटर द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ होम स्टेट्स रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन मणिपुर। आगे बात करते हैं रिसेंटली जो 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस हुई है कर्नाटका के बेंगलुरु में, और कॉन्टिनेंट में अगर देखें एशिया कॉन्टिनेंट पे पहली बार ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो इसी पर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने बोला था कि कॉफी जो एक इंटरनेशनल कमोडिटी है जो कि काफी एथनिसिटीज, कल्चर, कंट्रीज और कलर्स को एक साथ लेके आती है। तो ऐसी एग्जाम्पल्स आप कोट भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड की, जो कि फिल्म इंडस्ट्री इंडियन सिनेमा के फील्ड में दिया जाता है। इस बार ये 2021 के लिए जो दिया गया है मिला है अभी किसको, वहीदा रहमान जी को, जिनकी आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। स्पोर्ट्स न्यूज की बात करते हैं, सबसे पहले है रिसेंटली 10 मीटर एयर राइफल टीम जो है, जिसमें सरबजोत अर्जुन और शिवा, इन तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में। इंडिया के ये शूटर्स हैं, तो आपने इनका नाम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की, ये न्यू पोर्ट में लोकेटेड है जो कि यूएसए में है। ये प्लेयर्स को भी और जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं टेनिस के फील्ड में उनको ऑनर करता है। इस पर लिएंडर पेस को मिला है, पहले एशियन मैन है जिनको ये जो नॉमिनेट हुए हैं इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए। ये 18 ग्रैंड स्लैम टाइटल विनर भी है डबल एंड मिक्स डबल में, इनकी आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं। आगे बात करते हैं एशियन गेम्स में और अचीवमेंट की, सबसे पहले तो इंडिया की वुमेन क्रिकेट टीम ने जो है गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में श्रीलंका को हराकर। देन है इंडिया की रोशिबीना देवी नारोम, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वुशू में। देन है इंडिया की टीम ने इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेज टीम, जो घोड़े पर चढ़कर ऐसे है वो चलते चलते टारगेट करते हैं चीजों को, उसमें गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है क्योंकि ऑलमोस्ट 41 साल बाद ये मेडल मिला है हॉर्स राइडिंग कंपटीशन में एशियन गेम्स में। आगे बात करते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की, वर्ल्ड जो रेसलिंग चैंपियनशिप है रिसेंटली सर्बिया में हुई, वहां पर इंडिया के रेसलर अंतिम पंगल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिनकी भी आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड शिवा थीम्ड क्रिकेट स्टेडियम की, इसका नींव पत्थर रखा गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहां पर, यूपी के वाराणसी में। इसकी जो शेप होगी वो लॉर्ड शिवा के बेस्ड होगी, जो शिव जी का त्रिशूल है उसी की शेप में फ्लड गेट्स, जो फ्लड लाइट्स लगाई जाएंगी, क्रिसेंट शेप्ड रूफ बनाई जाएगी, इंटीरियर वगैरह वैसे ही बनाया जाएगा। नेक्स्ट है इप्सा ब्लाइंड फुटबॉल इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023, ये यूनाइटेड स्पोर्ट्स सेंटर है जो कोची का कक्का नाड, वहां पर होगा। इस टूर्नामेंट को 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक खेला जाएगा। इसमें कोस्टारिका, चिली, पोलैंड, रोमानिया, ग्रीस, इजिप्ट, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, कोरिया, इंडिया, ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे।
आगे बात करते हैं क्रिकेट की। सो क्रिकेट के सभी फॉर्म्स में टेस्ट फॉर्म, वनडे इनिंग, टी ट्वेंटी, इन तीनों में फर्स्ट रैंक अचीव करने वाली इंडिया फर्स्ट टीम बन गई है। इसने इंडिया ने सभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में नंबर वन रैंक अचीव कर लिया है। देन बात करते हैं इंडिया के एक और माइलस्टोन की। इंडिया की टीम पहली टीम बन गई है जिसने 3000 से भी ज्यादा वनडे इनिंग्स में सिक्सेस जो है हिट कर लिए हैं। रिसेंटली 18 सिक्सेस जो है टीम ने स्कोर किए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, मध्य प्रदेश के इंदौर में जब मैच हो रहा था। फर्स्ट पर हो गई है इंडिया, सेकंड पर आती है वेस्ट इंडीज। ऑब्विचुअरीज देखते हैं, सबसे पहले तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन के आर्किटेक्ट थे एमएस स्वामीनाथन जी, जो कि जिनका पूरा नाम है मंकोम्बू संबन सिवन स्वामीनाथन जी, ही पास्ड अवे। बहुत ही लीजेंडरी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत पार्टिसिपेट किया है। इन्होंने जब सोका हुआ था बैक टू बैक मिड 1960s में, तब इन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स को कंपेल करके, साइंटिफिक फ्रेटर्निटी को कंपेल करके सॉल्यूशन ढूंढने के लिए काफी काम किया। फूड ग्रेन्स इंपोर्ट किए यूएसए में, यूएसए से करते थे। स्वामीनाथन जी ने दो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स के साथ काम करके ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाया, जिसमें वीट और राइस की ऐसे जो हाई यील्डिंग वैरायटीज अडॉप्ट की गई जिससे जो है जो यील्ड थी गेहूं की और धान की इंडिया की काफी ज्यादा हो गई थी। देन है जॉर्जिया नापोलिटानो, ये इटली के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जो कि 2006 से 2015 तक प्रेसिडेंट रहे हैं। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट तो रह ही रहे हैं, लेकिन ये इटली के पोस्ट वॉर हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी रहे हैं। यहाँ पर आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। देन है सरोजा वैद्यनाथन जी, जो कि लीजेंडरी भरतनाट्यम डांसर थी। रिसेंटली शी पास्ड अवे। इन्होंने भरतनाट्यम पर बुक्स भी लिखी हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है, पद्म भूषण भी मिला हुआ है। यहाँ पर आप इनकी भी पिक्चर देख सकते हैं। भरतनाट्यम वन ऑफ 8 क्लासिकल डांस में से एक है जो कि तमिलनाडु से जिसका ओरिजिन है। ये जो डांस है भारत मुनि के नृत्य शास्त्र से इसकी ट्रेसिंग की जाती है। इसके लिए नंदीकेश्वर का अभिनव जो अभिनय दर्पण है वो यूज किया जाता है इसके स्टडी के लिए। मिसलेनियस न्यूज देखते हैं। सबसे पहले बीमा सुगम, ये जो बीमा सुगम था इसकी जो लॉन्च है अभी जून 2024 के लिए रीशेड्यूल कर दी है, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। इसका एम क्या है, इंडिया को दुनिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट बनाना इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। जब भी ये लॉन्च होगा तब हम इसमें बात करेंगे। ये जो प्लेटफॉर्म है कस्टमर्स को यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देगा कि वो इंश्योरेंस स्कीम्स को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है चूज कर सकेंगे। आगे है एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम जो कि गूगल इंट्रोड्यूस करेगा। बहुत ही यूजफुल अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम इंडिया में गूगल ने अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ कोलैबोरेट किया है और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम करती है। ये एंड्रॉयड बेस्ड जो होगा, काफी कंट्रीज में अभी तक गूगल ने जो डिप्लॉय भी किया है अब गूगल इंडिया में लेके आ रहा है, सो दैट अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम को और ज्यादा बढ़िया बनाया जाए। आगे है फतेहपुर सिकरी। ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि रिसेंटली एक इसमें बाहर फ्रेंच की एक पर्सन की डेथ हो गई है, तो फतेहपुर सिकरी न्यूज में था। तो फतेहपुर सिकरी की यहाँ पर आप पिक्चर एक देख सकते हो, ये आपके आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। ये एक सिटी है जो कि रेड सैंडस्टोन से, जो लाल पत्थर, लाल सैंडस्टोन होता है उससे बनाई गई है, आगरा के पास है यूपी में। अकबर के द्वारा ये स्थापित की गई थी, मुगल अंपायर की ये राजधानी भी रही है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिला था 1986 में। यहाँ पर पर्शियन इंडियन सेंट्रल एशियन स्टाइल्स हर चीज यूज की गई है रेड सैंडस्टोन प्राइमरीली, जो कि इसको काफी अलग एक्सपीरियंस देता है। देन हम बात करते हैं फर्स्ट इंडियन बैंकर की। एक 32 ईयर ओल्ड बैंकर है जिनका नाम है सुमित कुमार, जिन्होंने रिसेंटली नेपाल के माउंट मनालसू जो है वहां पर पहुंच गए हैं, जो कि दुनिया की 8th हाईएस्ट माउंटेन पीक है। सुनील कुमार हरियाणा से बिलोंग करते हैं। मनालसू जो पीक है इसका नाम है माउंटेन ऑफ द स्पिरिट। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसकी मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ। ये नेपाल है, ये चाइना है, ये इंडिया है, और यहाँ पर आप अगर इसकी माउंटेन मनालसू है यहाँ पर इसकी लोकेशन भी देख सकते हो। देन है इंडिया की ऑफिशियल एंट्री ऑस्कर 2024 के लिए भेजी गई है। केरला फ्लड्स पर बेस्ड है मलयालम मूवी जिसका नाम है 2018। ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री की तरह भेजी गई। इसके डायरेक्टर है जूड एंथनी जोसफ, जो कि जो लोग जो बाढ़ में, केरला में बाढ़ आई थी 2018 में, वहां पर बच गए थे, सरवाइव कर गए थे, उनकी स्टोरी है। आगे बात करते हैं जो
बुकर प्राइज होता है, वहां पर इंडियन ओरिजिन एक नॉवलिस्ट हैं जिनका नाम है चेतना मारू, उनकी पहली डेब्यू नॉवल थी वेस्टर्न लेन, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है बुकर प्राइज के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि वेस्टर्न लेन किसके द्वारा ऑथर की गई है, चेतना मारू के द्वारा। इम्पोर्टेंट डेज देखते हैं, सबसे पहले वर्ल्ड रिवर्स डे 24 सितंबर को मनाया जाता है, मनाया गया है इस बार, वैसे ही सितंबर के लास्ट संडे आता है, इस बार 24 सितंबर को रहा। इस दिन लोगों को अवेयर किया जाता है कि आपको पानी और नदियों को बचाना है। देन है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, ये जो फार्मासिस्ट का इम्पोर्टेंट रोल है हेल्थ केयर सिस्टम में उसके बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम था फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम। देन है अंत्योदय दिवस, ये भी 25 सितंबर को मनाया जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। अंत्योदय का मतलब है जो गरीब से गरीब है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, उनको अपलिफ्ट करना, तो एम यही है कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उन तक पहुंचना। देन है वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, 26 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन हाईलाइट किया जाता है कि ह्यूमन रेस की जो हेल्थ है ये एनवायरमेंट की हेल्थ के साथ रिलेटेड है। थीम क्या है इसका, ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ, स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। देन है इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 2023, जो कि यूएन जनरल असेंबली ने 2013 में डिक्लेयर की थी। ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट को अचीव करना हाईएस्ट डिसआर्ममेंट प्रायोरिटी है यूनाइटेड नेशंस की। इसके बाद है वर्ल्ड टूरिज्म डे, 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद है वर्ल्ड मैरिटाइम डे, जो कि लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है, इस बार 28 सितंबर को आया। इस दिन इंटरनेशनल मैरिटाइम इंडस्ट्री वर्कर्स का जो काम है उसको ऑनर किया जाता है। इस बार का थीम था मार्पोल एट 50 आर कमिटमेंट गोज ऑन। देन है वर्ल्ड रेबीज डे, ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम था ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। ये फ्रेंच साइंटिस्ट जो है लुई पेस्टर, जिन्होंने रेबीज का वैक्सीन बनाया था, उनको भी ऑनर किया जाता है इस दिन। देन है वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है, लोगों को कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के बारे में पब्लिक अवेयरनेस रेज करने के लिए। इस बार का थीम था यूज हार्ट नो हार्ट, यूज हार्ट नो हार्ट। कैंपेन जो है असेंशियल जो स्टेप है अपने हार्ट की हेल्थ को जानने के लिए, उसको प्रायोरिटाइज करने के लिए। इसके बाद इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, ये 30 सितंबर को मनाया जाता है, जो लैंग्वेज प्रोफेशनल्स हैं ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं उनके काम को ट्रिब्यूट पे करने के लिए। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है। इस वीकली करंट अफेयर की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस।